आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। शुरुआत से ही कांग्रेस का उद्देश्य न केवल साम्राज्यवाद, गैर बराबरी, रंग भेद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ना था, बल्कि समाज में एकता, समानता, बराबरी, धर्मनिरपेक्षता जैसे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देना भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। पहले कुछ वर्षों को हम मॉडरेट फेज कहते हैं, जो अंग्रेजों से संवैधानिक सुधार व सरकारी कार्यप्रणाली में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। शुरुआती कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को ये समझाया कि अंग्रेजी हुकूमत हमारे धन को यहाँ से लूटकर अपने खजाने भर रही है और हमारे कारीगर, शिल्पकार, मजदूरों को गरीबी की मार झेलनी पड़ रही है। इस वर्ग के बड़े नेताओं में दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बद्रुद्दीन तैब जी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे सरीखे नेता शामिल थे। फिर जैसे जैसे अंग्रेजी सरकार का असली चेहरा सामने आने लगा तो कांग्रेस के अंदर एक गर्म दल का उदय हुआ। उसकी अगुवाई बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने की। गर्म दल के नेताओं ने सबसे पहले स्वराज की बात की। इस वर्ग के नेताओं को अंग्रेजी सरकार पर रत्ती भी भरोसा नहीं था। ये तबका अंग्रेजों को पेटीशन लिखने के बजाय त्याग और बलिदान में विश्वास रखता था। इसके बाद कांग्रेस की कमान महात्मा गांधी के हाथों में आ गई। 1917 और 1918 के बीच वो तीन सत्याग्रहों में शामिल हुए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। उसके बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया। गांधी ने स्वराज को परिभाषित किया। उनके लिए स्वराज के चार सिद्धांत थे, पहला अहिंसा, दूसरा सभी धर्मों के बीच एकता, तीसरा छुआछूत को खत्म करना और चौथा गांव का सशक्तिकरण। गांधी ने पहले असहयोग आंदोलन और उसके कुछ साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस महान उद्देश्य की पूर्ति में उन्हें 7 जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और सरोजनी नायडू जैसे नेताओं का मिला। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की। इसके 2 साल बाद सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों के रेजोल्यूशन को पास किया, जिसे ड्राफ्ट नेहरू ने किया था। इस रेजोल्यूशन में दलितों, आदिवासियों और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार का भी ध्यान रखा। आगे चल के यही प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बने भारतीय संविधान में सुदृढ़ किए गए। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की भी नींव डाली, जो आजाद भारत में प्लानिंग कमीशन बनी। कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। इस काम की अगुवाई सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा असफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महान महिलाओं ने की। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार के सारे गुरूर को तोड़ दिया और भारत हमारे नेताओं के त्याग, परिश्रम और बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया।